कन्नौज में तेज रफ्तार गैस टैंकर जीटी रोड पर पलट जाने से हादसे में टैंकर चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा अचानक सामने आई रोडवेज बस को बचाने में हुआ। पुलिस ने गैस रिसाव की आशंका के चलते दमकल की गाड़ियां बुला ली और हादसे वाले इलाके के पास सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली करवा दिया। दमकल की गाड़ियां भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बुला ली गई थी। जानकारी मिली, लोगों ने बताया, यहाँ स्थानीय लोगों ने, कोई बस सामने से गुजर रही थी, उसके कारण ये हादसा हुआ है। और HP का जो प्लांट है यहाँ पे मोहम्मदाबाद फतेहगढ़ में, उनके GM से मेरी बात हो चुकी है, उनके सेफ्टी ऑफिसर वहाँ से चल दिए हैं और उन्होंने एहतियात के तौर पे कहा है कि वहाँ पे कोई आसपास आदमी न रहें और किसी भी तरह की ज्वलनशील चीज़ जैसे माचिस या लाइटर या अन्य कोई इस प्रकार का धूम्रपान नहीं होगा, यहाँ तक कि मोबाइल भी कोई यूज नहीं करेगा। ये सब एहतियात बरते गए हैं। जैसे ही ये सब उनकी टीम आ जाती है इसको तुरंत हटवाने का काम करेगा। आपको बता दें, मौके पर मौजूद पुलिस टीम HP के सेफ्टी अफसरों के आने का इंतजार कर रही है। SPN 9 न्यूज के लिए कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट।